हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारतीय फूड। तो आज मैं जो बनाने वाली हूँ वो है पनीर, जो कि बिल्कुल ही मार्केट जैसी सॉफ्ट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 लीटर दूध, यहाँ पर मैंने आधे आधे लीटर के 2 पैकेट दूध लिए हैं, 1/2 चम्मच नमक और 1 नींबू। तो सबसे पहले हम इसमें दूध ले लेंगे। ये पूरा 1 लीटर दूध ले लिया है हमने यहाँ पर। अब इसे हमें अच्छे से उबलने देना है। ये दूध हमारा अभी अच्छे से उबल चुका है। अभी हम गैस को लो फ्लेम पे कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1/2 चम्मच। अब इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस, नींबू डालते ही पनीर अलग होना शुरू हो चुका है। ये पनीर हमारा अच्छे से अलग हो चुका है। बस 2 मिनट और गैस को हम चलाएंगे। आप देख सकते हो ये पनीर हमारा अच्छे से अलग हो चुका है। अभी गैस को हम बंद कर देंगे। इसे हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और 2 मिनट बाद हम इसका पूरा पानी निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने एक कपड़ा ले लिया है, आप किसी भी क्लीन कपड़े का यूज कर सकते हो। ऐड कर देंगे। अब ये पूरा पानी हम निकाल लेंगे। इस तरह से अच्छे से हम पानी निकाल लेंगे इसमें से। अब इसे हम फिर से इसमें रख देंगे। इसमें हम पानी ऐड करते हुए ये अच्छे से धो लेंगे ताकि नींबू का खटास इसमें ना रहे। ये अभी हमने अच्छे से धो लिया है। अब ये पूरा पानी निकाल लेंगे अच्छे से और इस तरह से इसे रोल कर देंगे। इस स्टेज पे आप जितना पानी इसमें से निकाल सकते हो उतना पानी आपको निकाल लेना है। इस तरह से हमें फोल्ड करना है इसे। अब आप इस पर कोई भी भारी चीज़ रख सकते हो ताकि इसमें जितना भी पानी रह गया है वो पूरा निकल जाए अच्छे से। तो इस पर हम ये भारी चीज़ रख देंगे। इस तरह से आप कोई भी भारी चीज़ इस पर रख सकते हो। इसे हमें कम से कम 1/2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो अभी 1/2 घंटा हो चुका है, तो अब हम ये पनीर देख लेंगे हमारा रेडी हो चुका है कि नहीं। ये करीबन 200 ग्राम पनीर हमारा बन चुका है 1 लीटर दूध में। ये पनीर हमारा बिल्कुल ही अच्छे से रेडी हो चुका है। इसे और 1/2 घंटे के लिए मैं फ्रीज़र में रख दूंगी सेट होने के लिए, ताकि ये और भी अच्छे से सेट हो जाए। अगर आप चाहो तो इसे अभी भी कट कर यूज़ कर सकते हो। तो अब वापस से इसी कपड़े में हमें इसे फोल्ड कर देना है अच्छे से। उसी तरह से बिल्कुल फोल्ड करना है जिस तरह से हमने लास्ट टाइम फोल्ड किया था इसे। अब इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे 1/2 घंटे के लिए। ये 1/2 घंटा हो चुका है, मैंने ये फ्रीज़र में से निकाल लिया है। और ये पनीर हमारा बिल्कुल ही अच्छे से सेट हो चुका है, अच्छे से रेडी हो चुका है हमारा पनीर, आप देख सकते हो। अब इसे हम पीसेस में कट कर लेंगे।
आपको जो भी साइज पसंद है, जो भी शेप में चाहिए, उस शेप में आप इसे कट कर सकते हो। ये पनीर मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिए है, आप देख सकते हो बिल्कुल ही अच्छा पनीर बनकर रेडी हो चुका है हमारा। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी ये रेसिपी, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।